हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक की कमाई कहाँ से होती है, मतलब फेसबुक अपना कमाई कहाँ से करता है। तो आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे कि फेसबुक से कमाई कैसे करें, और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फेसबुक की कमाई कैसे होती है, फेसबुक अपना इनकम कहाँ से करता है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आपको कि फेसबुक की मेन कमाई क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। अगर आप एक फेसबुक यूजर हैं तो आपके बारे में फेसबुक को क्या क्या पता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फेसबुक को पता है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं उसके बारे में पता है, और आप कहाँ कहाँ का जाकर के आपने जो फेसबुक पे फोटो अपलोड किए हैं उस फोटो आपने कहाँ पे क्लिक किए थे, ये फोटो कहाँ का है, वह सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास है। तो ये सारा मतलब आप कहाँ जाते हैं, कससे चैट करते हैं, किससे बात करते हैं, किससे किससे आप कमेंट करते हैं, किस फ्रेंड से आप बात करते हैं, किस फ्रेंड को लाइक किया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है। ये सारा जानकारी होता है कि आप किस किस स्टोर में गए थे, आप कहाँ गए थे और कहाँ से फिर आ रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर फेसबुक के साथ व्हाट्सएप को जोड़ दिया जाए, आपको पता होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी का है, मतलब एक ही व्यक्ति का है। तो अगर फेसबुक और व्हाट्सएप को दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्हाट्सएप की जानकारी मतलब आपने कहाँ पे बात की है, किससे किससे बात की हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। कितना बजे आपने क्या बात किया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास रहता है और फेसबुक के पास। अगर फेसबुक और व्हाट्सएप को बात मिला दिया जाए दोनों को, तो हमारे बारे में जो मुझे पता नहीं है उससे ज़्यादा फेसबुक को पता है। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा बर्थडे कब है, हमें पता नहीं होता, लेकिन फेसबुक को पता होता है कि हमारा बर्थडे कब है, उससे पहले वही इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। तो ये है फेसबुक की हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पता है। वह इन्फॉर्मेशन के जरिए ही वह पैसा कमाता है। वो पैसा कैसे कमाता है, वो पैसा कमाने का जरिया उसका मेन है वह एडवर्टाइज है। एडवर्टाइज मतलब जो भी ऐड करता है फेसबुक, वह ऐड के माध्यम से ही वह पैसा कमाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा कुछ ही एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अगर बात करें अगर फेसबुक की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटाबेस के जो आधार पे माना जाए तो फेसबुक सबसे बड़ी है जो ऐड की दुनिया में देखा जाए। अगर एडवर्टाइजर के जरिए देखा जाए तो एडवर्टाइजर का पहला पसंद फेसबुक होता है। फेसबुक एक ऐसा जरिया है जो वह सटीक मतलब सही तरीके से ऐड कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी किसी गाड़ी मतलब फोर व्हीलर गाड़ी आपने खरीदी, और खरीदने के बाद आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड किया या उसमें डाल दिए, ठीक है, फेसबुक में डालने के बाद आपको उस गाड़ी का जो भी ऐड होता है वो आपको दिखाया जाएगा। आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं गए घूमने के लिए, आपका ऐड जहाँ पे आप घूमने के लिए गए थे वहाँ का ऐड दिखाया जाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं तो उस रेस्टोरेंट का जो ऐड होता है वो आपके मोबाइल में दिखाया जाएगा फेसबुक के जरिए। तो ये होता है एकदम सटीक ऐड करना, मतलब फेसबुक एक ऐसा है जो एकदम 100% सटीक ऐड करता है। उस तरह का ऐड करने से यूजर्स को पसंद आता है और उस ऐड को क्लिक करता है और उस ऐड पे देखता है जा करके, और उसे पसंद होता है तो उसको उसे खरीद भी लेता है। तो ये है फेसबुक का जो मेन मकसद है, उसे ये ऐड करना वह सटीक करता है। मगर मान लीजिए कि आप गए किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी बाजार वगैरह में, आप कहीं भी गए तो आप अपना मोबाइल ओपन करके देख लीजिएगा, फेसबुक में आपका उसी का ऐड आपको दिखाई देंगे सामने में। अगर आपने किसी भी चीज़ का गूगल पे सर्च किए हैं, मान लीजिए कि आपको बाइक ख़रीदना है तो बाइक के बारे में आपने सर्च किया गूगल पे, उसके बाद आपको जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक में आपको ऐड दिखा जाएगा, जो जो आपने सर्च किया था वो उसको फोटो भी आपको दिखाई दिया जाएगा, दिखाई देगा वहाँ पे फेसबुक पे। तो ये है फेसबुक का मेन कमाई जो वह ऐड के जरिए वो कमाता है। और इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक से लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।